प्यारे दोस्तों भाइयों अज़ीज़ों क्या हाल है खैरियत है ठीक ठाक है उम्मीद है आप खैरियत से होंगे ये देखें धूप निकली हुई है लेकिन लेकिन बहुत अच्छा है और ये हवा चल रही है ये देखें पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये नज़र आ रहे हैं हवा चल रही है और बड़ा प्यारा मौसम है इस वक़्त तकरीबन ये तीन साढ़े तीन बजे है ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ بارش ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ بارش ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰਾਸੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ بارشਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਇਹ ਮੋਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਮੂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੀਮੂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੀਮੂੋਂ ਸੇ ਭਰਾ ਪੜਾਇਆ ਜਨਾਬ ਪੱਕ جائیںਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਫਟ ਭੇਜੂਗਾ ਲੀਮੂਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਮਰੇ ਮੇ ਤੋ ਆਪ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अच्छा जी बात सियासी ये करनी है आपसे कि आपको पता है कि कल परसों का बल्कि आज भी मैं देख रहा था एक ही टॉपिक चला हुआ है कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर के अख्तलाफा पड़ गए हैं राना तनवीर हुसैन ने बयान दे दिया है शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ और शायद खाकान ख़ाकानब्बासी साहब जो है आ, वो कह रहे हैं ठीक है जी वो बयान देते हैं तो दें कोई बात नहीं और ये उनका जमहूरी हक़ है और हमारा इख्तलाफ पहले भी होता है ये है वो बात सर ये है कि ये जो आ, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं ना या टी वी पर जो लोग ढूँढ रहे होते हैं गलत ढूँढनी है दुश्मन ने ग़लत फहमियाँ ढूँढनी है दुश्मन ने कमज़ोर पॉइंट ढूँढने हैं ये बात ठीक है आप उनको मौका ही ना दें ठीक है अचानक ही जनाब बिल्कुल मरीम नवाज़ साहबा ख़ामोश हो जाती हैं उनका ट्विटर भी खामोश हो जाता है फिर मरीम कहती है जी चले जी उनको करोना हो गया है क्या उनकी उंगलियों को भी करोना हो गया है जहाँ उन्होंने बोलना होता है वो बोल लेती हैं कल भी वो एक जो खिलाड़ी था जेवलियन फेंकने वाला वो अरशद नदीम के नदीम अरशद उनके बारे में उन्होंने बयान दिया और ये वो कल तो मर्ज़ी के बयान वो दे देते हैं लेकिन जहाँ नहीं देना होता नहीं देते कश्मीर के मसले पर अभी तक शहबाज शरीफ ने नहीं दिया अच्छा जी ये बयान फिर नवाज़ शरीफ यकदम खामोश हो जाते हैं तो इसकी जो अफवाहें फैलती हैं ना तो वो वैसे नहीं फैलती दोनों तरफ़ से होता है वो कहते हैं न जी कुछ शहर दोग भी ाल सन कुछ सानू मरण का शौक भी सी <laughs> ये आपको पता है ना सारी नज़म है कुछ उजवी राव औखिया सन कुछ गमों गल गल गम का तोक भी सी तो ये ऐसी ये चीज़ें होती हैं इनको चाहिए कि अपनी पॉलिसी क्लियर करें ये दो बयानिए ले के नहीं चल सकते अच्छा वो दो बयानिए ऐसे नहीं है ना कि मामूली फ़र्क वाले हों वो आग और पानी है आग और पानी तो कट्ठा नहीं ना चल सकता आग और पानी इकट्ठा जिंदा रह सकता है या आग पानी को खा जाती है या पानी आग को खा जाता है होता है ना दोनों आप आपको ये तजर्बा अपने घर में छोटे लेवल पे आपको पता है सबको पता है अब इनको इनका कुछ हम समझते हैं कि इनके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है केसेस बन रहे हैं सब हैं अभी जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है की और उजमा बुखारी साहबा की वो जनाब हम इनका मुकाबला करेंगे मुकाबला इनका यही है कि इनके सार में डंडा मारो और फिर वो जनाब हस्पताल जा के पट्टी करा लो तो पट्टी कराने को ये मुकाबला कहते हैं इनका मुकाबला यही है कि इमरान खान इनके सार में डंडा मारता है एफ आई आर की ये जमानतें करवाते हैं सार में डंडा खाओ और फिर जाके पट्टी कराओ ये नहीं है आगे से ये डंडा इनके पास नहीं है बिल्कुल इनको अभी कितनी बातें ये बता रहे थे कि जनाब ब्रॉड शीट का घपला हुआ और ये इमरान ख़ान ने ये किया वो किया भाई तुम कोई कार, कानूनी कार्रवाई करो क्यों नहीं करते इसलिए तो वो शेर हो गए हैं वो कानूनी कार्रवाई आप नहीं करते वो शेर हैं और आप कहते हैं जी हम देख लेंगे हम निबड़ लेंगे आप जाके पटियाँ करवाते हैं जो डंडे वो उनका आपको मारते हैं ये मैंने मिसाल आपको समझाने के लिए दे दी है अब बात यह है सर कि आप देखें अवाम की नब्ज़ को भी देखें कल मुझे एक बंदे का मैसेज आया कहता है जी ये शबाज़ शरीफ कहता है मैं अपने सर पे लडूंगा ज़रा नवाज़ शरीफ का हाथ इसके उठा के उप, हाथ इसके ऊपर से उठाएं ये कौंसलर भी बन जाए तो मुझे कहना ये जो आप कहते हैं जी खाजगान ने ये किया ख्वाजा बरदरान ने ये किया अगर इनके ऊपर नवाज शरीफ का हाथ हटा दो ये कौंसलर भी कोई नहीं बन सकता <स्थ> शबाज शरीफ का तो इतना पिटा हुआ वो है बयानिया बयानिया या प्रोग्राम या मंशूर या जो भी आप कह लें देखें बयानिया या प्रोग्राम या मंशूर जो है लोगों ने नवाज़ शरीफ को नवाज़ शरीफ की मकबूलीत में पहले से कई गुना इजाफा हुआ है और इसी तरह मरीम नवाज साहबा के भी हुआ है क्यों हुआ है क्योंकि लोगों ने कहा है कि उन्होंने दलेरी से लीडर के अंदर दलेरी नहीं है ना वो किसी काम का नहीं है कसम से किसी काम का नहीं है उसके लिए आप फिर ऐसे ही कुर्बानियाँ देते फिरेंगे ऐसे ही जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ नून लीग के लिए ये मुझे पूछने ही नहीं आएंगे तो अगर मैं उनके लिए दे रहा हूँ तो ये मेरी ग़लत फहमी है वो पूछने नहीं आएंगे मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ ठीक है तो लीडर को दलेर होना चाहिए और उसका विजन बड़ा होना चाहिए व्लाम अकबाल का एक शेर है ना लीडर के लिए निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जांपुर सोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए जो मेरे कारवां हैं उसका विजन बहुत ऊंचा होना चाहिए और उसकी सुखन दिल नवाज जो बात करें तो दिल नवाज देखिए उसमें भी नवाज़ का नाम आ गया इलामा इकबाल के कलाम में भी नवाज का नाम आ गया सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज़ जहाँ सोच के जान की बाजी लगाने वाला हो लीडर तो शेर को क्यों लोग लीडर कहते हैं कि शेर हर चीज़ से लड़ पड़ता है बड़े बड़े भैंसे पकड़ के आप अपनी जान को ख़तरे में डाल के तो गीदड़ भागता है गीदड़ भागता है ना हाँ बड़ी बातें याद आती हैं सर जी तो बात यह है कि नून लीग वालों को चाहिए कि वो तंजीम साजी पर गौर करें वो एक बयानी पे गौर करें और इसके ऊपर मैं एक बात नवाज़ शरीफ साहब को मैंने मैं कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी कंट्रोल अपने ऊपर रखें अपनी जो वीडियो लिंक वाला खिताब है ना वो ना हटाएं। अब लोग हमसे पूछते हैं कि शार जी वो नवाज़ शरीफ खामोश क्यों हो गया एक खिताब भी उसने कश्मीर में नहीं किया क्यों नहीं किया भाई क्यों नहीं किया तो कहीं दाल में कुछ काला होता है ना सर जी वो ये कुछ शहर लोग भी ालम सन कुछ सानू मरन का शौक भी सी कश्मीर के ऊपर उन्होंने कोई तकरीर नहीं की सियालकोट में कोई तकरीर नहीं की तो इधर सियालकोट में शबाज शरीफ मरियम नवाज गई है शबाज शरीफ नहीं गया हमजा नहीं गया हालांकि हमजा के जिम्मे सारा पंजाब का लगा हुआ है वो नहीं गए खुशाब में फंक्शन हुआ है उसमें भी हमजा साहब नहीं गए तो अख्तलाफात हैं इनको छुपाएं नहीं इनको ना छुपाएं, इनका हल निकालें इनका हाल जैसे मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ हर हफ्ते मीटिंग बुलाएं और उसकी सदारत खुद करें और वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करें जैसे पहले वो करते रहे हैं ये अचानक ही छः महीने से खामोशी छाई हुई है जब से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं ना नवाज शरीफ की तरफ से भी खामोशी छा गई है तो एंड पे दोस्तों मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि हम पाकिस्तान जस्टिस पार्टी को भी साथ साथ आपको पता है मुनजम करते रहते हैं उसके हम स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं और अहदे भी बना रहे हैं क्योंकि फ़रवरी में इलेक्शन भी हो रहे हैं उसमें भी इन शाकिस्तान जस्टिस पार्टी पी जे पी इस प्लेटफार्म से हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है कौमी एलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे तो हम अपने आप को मुस्लिम लीग नून का इतिहाद समझते हैं हम समझते हैं वो चाहे समझें या ना समझें <laughs> एक लतीफा याद आ गया अपने ऊपर ही है तो एक मुंडे न कहते यार तू शादी नहीं तेरे शादी का की प्रोग्राम है की कहते फिफ्टी परसेंट तैयारी मुकम्मल है उन्हें कहे जी की फिफ्टी परसेंट तैयारी मुकम्मल है कहते जी मैं सौ फीसद राजी हूँ कुड़ी वाले नहीं मान रहे मैं राजी है शादी वास्ते कुड़ी वाले नहीं माने तो फिफ्टी परसेंट तो हो गई ना तो हमारा इतिहाद नून लीग के साथ पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का है प्यार भी है मोहब्बत भी है मैं तो स्टूडेंट लाइफ से नवाज शरीफ साहब को सर जानता हूँ उन्होंने दो गोल्ड मेडल अपने हाथों से मेरे गले में डाले हैं नवाज शरीफ साहब ने एक जब मैं यून का सदर बना इस्लामिया कॉलेज सिविल लाहौर उस वक़्त और एक जो मैंने कारकर्दगी बेस्ट परफार्मेंस यानी कि मैंने कॉलेज का इतना काम किया इतना काम किया कि कॉलेज के इस ने और कॉलेज वालों ने मुझे गोल्ड मेडल दिया और इतफाक़ से दोनों ही मुझे नवाज़ शरीफ साहब ने मेरे गले में डाले तो हमें तो सर उनसे उस वक़्त का प्यार है ना स्टूडेंट लाइफ का प्यार है ये चलता रहेगा आप पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के मेंबर बने और उसके लिए स्मार्ट कार्ड है उसके लिए आप अपनी तस्वीर भेजें और शनाख्ती कार्ड भेजें जहाँ जो शनाख्ती कार्ड नहीं है तो एड्रेस भेजें ठीक है पाकिस्तान से बाहर भी अंदर भी हम आपको जनाब इन शाह वो स्मार्ट कार्ड बना के देंगे उसकी थोड़ी सी फीस हमने रखी हुई है वो भी कार्ड बनाने की कीमत और जो टी सी एस वगैरह कराना होता है ना उसकी कीमत वगैरह है मम्बर मेम्बरशिप का है ना तो वो इन शी हम उसकी मेम्बरशिप भी दें और नून लीग वालो अपने आप को संभालो ये आपको कह रहे हैं अगर तुम इसी तरह आपस में टकराते रहे बिखरते रहे अब पहले जो शबाशरी नवाज शरीफ की बयानियाँ नीचे तक आ गए और अब टी वी तक हर गली महल में पहुंच जाएगा तो फिर तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में ठीक है आप अपने आप को संभालो इसका हाल निकालो खामोशी इसका हाल नहीं कि मुंह में घुनियाँ डाल के बैठे रहो नवाज शरीफ भी खामोश मरियम भी अचानक बिल्कुल फिर खामोश हो जाती है शबाज़ शरीफ खामोश हमजा साहब का तो पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में हैं कि नहीं है तो लीडर को इस तरह नहीं ना होना चाहिए अवाम की बड़ी आपके साथ तो छोटे लेवल पर अवाम बड़े सफ़र कर रहे हैं कसम खुदा की ये जो कल शफकत इमरान और आमिर मीर को गिरफ़्तार किया गया है तो ये क्या वजह बनी है मेन वजह यही है ना आपकी सपोर्ट है आपको सपोर्ट करते हैं इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं हकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं तो तभी उनके ऊपर एफ़ आई आर हुई है ना या जितने भी ये पकड़े जाते हैं ऐसे ही पकड़े जाते हैं ना नो आपकी सपोर्ट में इधारों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं तो आप जनाब बिल्कुल मुँह में घुनियाँ डाल लेते हैं तो फिर आवाम परेशान हो जाते हैं इसलिए आप अपना जो है नबला सीधा करें अपना किबला सीधा करें और आवाम की तो के मुताबिक काम करें आवाम इस वक्त आप आवाम के लिए मसीहा बन के आए और जितनी महंगाई इस हकूमत ने कर दी है ना उसका तोड़ सिर्फ़ यही नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब आएँ और वो इसका तोड़ पेश करें और वो इसको जो है ना कुछ न कुछ वही करें वही सारा कुछ कर सकते हैं जैसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए की है ग़रीबों के लिए की है इस हकूमत ने तो आते ही कह दिया था उन्होंने जी मसनू तौर पर डॉलर को रोका हुआ था उन्होंने जी मसनू तौर पर पेट्रोल की कीमत रोकी हुई थी उन्होंने जी जी मसनू तौर पर कीमतों की अशिया रोकी हुई थी भाई तुम भी रोको आवाम को तो कोई फ़ायदा हो